और बिना किसी रन से हुई समाप्त। इस बार तारीफ क्या हुई, थोड़े से लाइन से चूके, फुल टॉस गेंद भेज दिया बल्लेबाज ने सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे चार और चार रन के साथ विशांतु ब्लास्टर्स ने अपना खाता खोला। सुरेख पद्धतीचा चेंडू, और फिर एक बार निशांत चले अपने गेंदबाजी मार्ग पर, बेहतरीन स्ट्रोक, काबिले तारीफ, गेंद चली गई सीमा रेखा पार छह रनों के लिए। और रन संख्या बढ़ती हुई पहुंची बिना किसी विकेट, बिना किसी नुकसान 10 रनों के ऊपर वी शांतु ब्लास्टर्स। बेहतरीन लाइन, वहां पे चप्पल होके खेलने का प्रयास, फॉलो किया वहां पे निशांत ने और एक अच्छी ओवर की समाप्ति। 10 रन पर पहले पावर प्ले के ओवर में जरूर आए और एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची बिना किसी विकेट, बिना किसी नुकसान, टॉस हारने के बाद विशांतु ब्लास्टर्स 10 रनों के ऊपर। बेहतरीन सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास और वहां पे अच्छी लाइन वाली गेंदबाजी। टीम की तरफ से दूसरा और खुद की तरफ से पहला ओवर लेके विश्वेश गेंदबाजी मार्ग पर। उस बैंग बैंग उस गांव अपना 12th प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजे। बेहतरीन शॉट, वहां पे शॉर्ट पिच गेंद, फायदा उठाया, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे छे। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पे रजनीकांत द्वारा। तो इस छह रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई पहुंची बिना किसी विकेट, बिना किसी नुकसान 16 रनों के ऊपर। इस बार ऑफ साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले से छूती हुई चली गई थर्ड मैन की ओर, वहां पे थोड़ी सी गलती हुई, दो रन आसानी से निकाले, दो रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई पहुंची बिना किसी विकेट, बिना किसी नुकसान 18 रनों के ऊपर वी शांतु ब्लास्टर्स। इस बार और एक अच्छी गेंद, करारा प्रहार जरूर करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क ठीक तरह से नहीं, तो एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा इस बार वी शांतु ब्लास्टर्स के रजनीकांत को। और फिर एक बार ऑन दी मार्क लंबा रन अब लेके विश्वेश चले और एक अच्छी गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद थी लेकिन इस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। और टेनिस बॉल की अगर बात की जाए तो गेंद जब नहीं होती है तब बड़े शॉट्स लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आसानी से गेंद सीमा पार नहीं होती। इस बार बेहतरीन गेंद और एक फुल टॉस गेंद,
लेकिन इस गेंद का भी कुछ खास तरीके से फायदा नहीं उठा पाए वी संतु ब्लास्टर्स रजनीकांत वहां पे स्ट्राइक गेंद पर। और अब स्ट्राइक चेंज होता हुआ आदित्य जो कि 11 रनों के ऊपर नॉन स्ट्राइक गेंद पर डटे हुए और दो ओवर की हुई समाप्ति। दो ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची बिना किसी विकेट बिना किसी नुकसान 21 रनों के ऊपर 21 लॉस ऑफ 0 विकेट। और अब गेंदबाजी मार्ग पर और एक गेंदबाज दिखाई देता हुआ सर्वेश जो की जिम्मेदारी उठाते हुए तीसरे ओवर की। इस बार अच्छी गेंद कदमों का किया था इस्तेमाल लेकिन कुछ खास तरीके से फायदा नहीं उठा पाए। एक रन जरूर मिलेगा एक रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई पहुंची 22 रनों के ऊपर वी शांतु ब्लास्टर्स। बेहतरीन गेंद वहां पे लाइन से वटके अंपायर की ओर से वाइड का इशारा जरूर एक रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई पहुंची बिना किसी विकेट बिना किसी नुकसान 23 रनों के ऊपर। इस बार शॉर्ट पिच गेंद एक रन आसानी से और दूसरे रन के लिए दौड़ना ठीक नहीं समझा तो इस एक रन के साथ रन संख्या तब्दील होती हुई 24 रन। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास गेंद को गैप में खेलने का प्रयास लेकिन फील्डर वहां तक पहुंचते हुए तो जब तक फील्ड करते गेंद को वापिस भेजते एक रन निकालने में कामयाब। एक रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई पहुंची बिना किसी विकेट बिना किसी नुकसान 25 रनों के ऊपर वी शांतु ब्लास्टर्स। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इस बार करारा प्रहार करने की कोशिश फील्डर गेंद के नीचे विकेट कीपर खुद ही वापस जिम्मेदारी उठाई और कैच लपक लिया। आदित्य जैसे घातक बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखाया पहला झटका लगता हुआ वहां पे वी शांतु ब्लास्टर्स के टीम को और आदित्य चले पेविलियन की ओर। सर्वेश ने दिलाई सफलता बैंग बैंग उस गांव को। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक लेकिन जैसी गेंदबाजी वैसी फील्डिंग यही है होती है एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान और वहां पे सर्वेश द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस बार करारा प्रहार गेंद चली गई सीमा रेखा पार रन मिलेंगे जरूर छे और छे रनों के साथ रन संख्या होती हुई तब्दील एक विकेट के नुकसान पर 31 रन। वी शांतु ब्लास्टर्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास और अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा आता हुआ राज जो कि गेंदबाजी मार्ग पर जिम्मेदारी उठाते हुए। बेहतरीन गेंद पैरों से टकराई गेंद बल्ले का संपर्क नहीं गेंद एक अच्छी गेंद की समाप्ति होते हुए।
और इस बार लेग साइड की दिशा में गेंद को भेजा फील्डर गेंद के नीचे और जी हां बेहतरीन कैच लपक लिया वहां पे राज ने दिलाई और एक सफलता सुनील जो कि दूसरे विकेट के रूप में पेविलियन के रास्ते पर लौटते हुए और सुनील की जगह लेने के लिए मैदान के भीतर और एक धुरंधर दिखाई देता हुआ 1691 जर्सी पहने हुए नाम है अरुण इस बार ऑफ साइड की दिशा में फील्डर के ऊपर से खेला गया एक शॉट लेकिन डीप मिड विकेट बाउंड्री में फील्डर तैनात एक रन के साथ रन संख्या तब्दील होती हुई दो विकेट के नुकसान पर 33 रन इस बार कैच लपकने का प्रयास पॉइंट क्षेत्र में वहां पे प्रयास अच्छा था लेकिन गेन उतनी कैरी नहीं हुई तो एक रन के साथ रन संख्या चौकी 34 रनों में तब्दील होती हुई इस बार बेहतरीन स्ट्रोक लाजवाब स्ट्रोक काबिले तारीफ आड़े बल्ले से खेली हुई गेंद चली गई सीमा रेखा पार जरूर रन मिलेंगे छे और छह रनों के साथ रन संख्या तब्दील होती हुई 40 रनों के ऊपर ओहो गेंदबाज वही बल्लेबाज वही और नतीजा भी वही और रन मिलेंगे छह रन संख्या पहुंची 46 रनों के ऊपर 45 रनों के ऊपर रन संख्या पहुंची 45 लॉस ऑफ टू विकेट और अब गेंदबाजी मार्ग पर एक धुरंधर सितारा दिखाई देता हुआ नाम है मयूरेश बेहतरीन गेंद लेग साइड की दिशा में करारा प्रहार करने की कोशिश लेकिन गेंद बल्ले का ठीक तरह से संपर्क नहीं इन एक रन जरूर मिलेगा और रन संख्या पहुंचती हुई 46 रनों के ऊपर दो विकेट के नुकसान पर वी शांतु ब्लास्टर्स वहां पे अरुण ने प्रयास अच्छा किया था लेकिन गेंद बल्ले को आवा देती हुई चली गई राज के दस्तानों में कदमों का इस्तेमाल करके खेलने का प्रयास गलती थोड़ी सी कम फायदा नहीं उठा पाए इस बार उड़ाया है गेंद को गेंद के नीचे फील्डर जब तक पहुंचते गेंद गिर चुकी और वहां पे थोड़ी सी गलती होती हुई एक रन के साथ रन संख्या तब्दील होती हुई 49 रन इस बार करारा प्रहार लेकिन गेंद चली गई सीधी फील्डर के हाथों और मयूरेश ने दिलाई सफलता और एक झटका लगता हुआ तीसरे विकेट के रूप में और अब रजनीकांत को जाना होगा पेविलियन के रास्ते पर
बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंद, काबिले तारीफ। हालांकि डे तौर में करो या मरो की परिस्थिति रहती है गेंदबाज के लिए, लेकिन बेहतरीन लाइन बापे मयूरेश द्वारा लगभग आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन दिए हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट भी झटकाया। तो इस मैच में बैंग बैंग उस गांव ने टॉस जीत कर लिया था फैसला फील्डिंग करने का और विशांतु ब्लास्टर्स को आमंत्रित किया था पहले बल्लेबाजी के लिए और विशांतु ब्लास्टर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बना पाई 49 और अब बैंग बैंग उस गांव को रन चाहिए 50, लगभग 10 रनों का रन रेट। जी हां, धन्यवाद। बेहतरीन स्ट्रोक और पहले गेंद पर भेज दिया सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए मयूरेश, जो कि पहले इनिंग में आखिरी ओवर में कमाल दिखाया 4 रन और 1 विकेट और अब ओपनिंग के लिए आए, पहले ही गेंद पर जड़ दिया छक्का, 50 रनों के लगे हैं पीछे। देखना होगा कितनी गेंदों में पूरे कर पाते हैं। फिर एक बार घुमाया था बल्ला, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में। इसके बाद होने वाला मुकाबला आदिनाथ स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस साई तेज वॉरियर्स। साई तेज वॉरियर्स और आदिनाथ स्पोर्ट्स क्लब दोनों टीम के कप्तान कृपया कॉमेंट्री बॉक्स में आ जाए। टॉस होगा आदिनाथ स्पोर्ट्स क्लब और साई तेज वॉरियर्स के बीच में। वहां पर रिवर्स स्वीप लगाने का असफल प्रयास मयूरेश द्वारा, इस बार सीधे बल्ले से, जी हां गलती कर बैठे, ना मुन्ना ना ऐसी गलती ना करना, कैच छूटा मैच छूटा, इतिहास गवाह है। और एक क्या है, और एक इतिहास जड़ पाएंगे मयूरेश इस बार लाइन से भटके। निश्चित रूप से आप जब फील्डिंग में थोड़ी सी ढिलाई करते हो तो गेंदबाज थोड़ा सा दबाव में आ जाता है और उसी तरफ से परेश जो कि लाइन से भटके, इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, करारा प्रहार करने की कोशिश, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं और एक अच्छी गेंद की समाप्ति।
हो, और करारा प्रहार, गेंद चली गई सीमा रेखा पार, बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पे मयूरेश द्वारा। और रन संख्या पहुंची 12 रन के ऊपर, सॉरी 13 रन के ऊपर। और अब जिम्मेदारी उठाएंगे गेंदबाजी मार्ग पर, जो कि आदित्य दिखाई देते हुए। फिर एक बार कॉल जा रहा है, आदित्य स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस साइतेज वॉरियर्स। ओके, इस बार लाइन से भटके आदित्य और अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा। तो एक रन के साथ रन संख्या बिना किसी विकेट बिना किसी नुकसान 14 रनों के ऊपर। इस बार करारा प्रहार, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार, जरूर रन मिलेंगे छे, बेहतरीन स्ट्रोक वहां पे योगेश के बल्ले से निकलता हुआ। इस बार सीधे बल्ले से खेला वहां पे, फिर एक बार गलती, अगर डायरेक्ट हिट होता तो मयूरेश के लिए खतरे की घंटी बज सकती थी, लेकिन अगर मगर के लिए क्रिकेट में कोई स्थान नहीं। तो रन संख्या जैसे थे 20 रनों के ऊपर बिना किसी विकेट बिना किसी नुकसान 50 रनों का पीछा करते हुए बैंग बैंग उस गांव। इस बार बैक ऑफ द हैंड डालने का प्रयास, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद को समझ नहीं कर पाए, गेंद बल्ले को हवा देती हुई चली गई अरुण की दस्तानों में। पर एक बार करारा प्रहार करने की कोशिश और एक अच्छी गेंद की समाप्ति। इस बार और एक अच्छी गेंद, आदित्य जो कि एक छक्का खाने के बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए लगभग लगातार 4 डॉट गेंदे। इस बार लेग साइड की दिशा में गेंद को भेज दिया, फिर एक बार सीमा रेखा पार और एक छक्का लगता हुआ योगेश के बल्ले से, और 6 रनों के साथ रन संख्या बिना किसी विकेट बिना किसी नुकसान 26 में तब्दील। दो ओवर की हुई समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची 26 और जीतने के लिए 18 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, एक अच्छी शुरुआत वहां पे अपनी ओवर में करते हुए मदन, जो कि जिम्मेदारी उठाएंगे और मयूरेश अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखेंगे।
जी हां, घुमाया बल्ला, टकराई गेंद बल्ले से, चली गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। मयूरेश के बल्ले से निकला हुआ ये करारा प्रहार, गेंद चली गई सीमा रेखा पार और 6 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 32 रनों के ऊपर। पर एक बार उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद चली गई सीधी विकेट और बल्ले को हवा देते हुए अरुण की दस्तानों में। और वहां पे अच्छा कमबैक करते हुए मदन अपनी गेंदबाजी पर। और फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए योगेश जो कि बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। मदन ऑन द मार्क, इस बार करारा प्रहार, गेंद के नीचे फील्डर जी नहीं, फिर एक बार गलती, आदित्य द्वारा कैच छूटा गया। क्या ये मैच छूटा या कैच ही छूटा, देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर कल से मुकाबले देखे जाए तो 50 रन बहुत कम टारगेट है, तो आपको ऐसे कैचेस छोड़ने नहीं चाहिए। बेहतरीन गेंद, मदन जो कि कैच छूटने के बाद भी अपनी लाइन नहीं छोड़ी, बेहतरीन लाइन वाली गेंदबाजी वहां पे। तो सिर्फ एक छक्का इस गेंद में और जीतने के लिए 12 गेंदे और 16 रनों की जरूरत, 12 गेंदे और 16 रनों की जरूरत। और अब गेंदबाजी मार्ग पर विनय जो कि जिम्मेदारी उठाएंगे। पहली गेंद सीधे बल्ले से खेला, 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ रन संख्या जो कि बिना किसी विकेट बिना किसी नुकसान 35 रनों के ऊपर। इस बार फुल टॉस गेंद, लेग साइड की दिशा में आड़े बल्ले से गेंद को खेला, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। 6 रन के साथ रन संख्या बिना किसी विकेट बिना किसी नुकसान 41 रन और जीतने के लिए सिर्फ 9 रनों की जरूरत। बेहतरीन गेंद, ब्लॉक होल में डालने का प्रयास वहां पे सफल होते हुए और 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पे बैंग उसगांव के टीम को। और जीत के लिए अब चाहिए 8 रन।
बचे कुछ 9 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। बैंग बैंग उस गांव कितने गेंदों में खेल खत्म करते हैं, देखने वाली बात होगी। या इस 8 गेंदों को 8 रनों को रोक लगा पाते हैं आदित्य स्पोर्ट्स क्लब के गेंदबाज, ये भी देखना होगा। लेकिन जी नहीं, योगेश फायर बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 6 और जीत के लिए चाहिए 8 गेंदे और 2 रन। बेहतरीन गेंद और एक अच्छी गेंद, कम बैक करते हुए वहां पे गेंदबाजी मार्ग पर विनय, लेकिन शायद थोड़ा सा लेट उस कम बैक के लिए, क्योंकि जीत के लिए चाहिए अब 6 गेंदे और 2 रन। लास्ट बॉल, बेहतरीन स्ट्रोक ऑफ साइड की दिशा में, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार और मैच को जीतते हुए बैंग बैंग उस गांव। यानंतरच्या प्रत्येक सामन्याला सामन्यासाठी सूचना आहे, प्रत्येक कर्णधारासाठी कृपया आपला 12वा प्लेयर जर कमेंट्री बॉक्स मध्ये नसेल तर आपली कोणताही आर्ग्यू ऐकून घेतला जाणार नाही। जर आपला 12वा खेळाडू आपला सामना चालू असताना जर कमेंट्री बॉक्स मध्ये नसेल तर आपली कोणतीही तक्रार ऐकून घेतली जाणार नाही, कृपया याची नोंद घ्यायची आहे। मैच के मैन ऑफ द मैच के दावेदार, जी हां, बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाले मयूरेश जोशी मैन ऑफ द मैच के दावेदार। और मैं आमंत्रित करता हूं भूषण जी प्रभु, कृपया आप स्टेज पे आ जाए और मयूरेश को मैन ऑफ द मैच का इनाम देके सम्मानित किया जाए। छब्बीस रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और आखिरी ओवर में 4 रन देके 1 विकेट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपने टीम के लिए मयूरेश जोशी मैन ऑफ द मैच के दावेदार।